सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इस वीडियो। मैं शिवम राव, थर्ड ईयर में स्टूडेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गोंदिया। और इस वीडियो में मैं आपको हर एक चीज़ बताने वाला हूँ कि नीट 2024 का जो प्रिपरेशन है आपने कैसे शुरू करना है और कैसे उसको आगे बढ़ाना है, ये हर चीज़ इस वीडियो में आपको बताई जाएगी। तो इसे एंड तक ज़रूर देखना। और ये वीडियो हर उस इंसान के लिए है जो नीट की तैयारी कर रहा है, मतलब रिपीटर्स के लिए भी, और जो अभी ट्वेल्थ में गए हैं वो लोग जो नीट देने वाले हैं, तो वो दोनों लोग इसको अच्छे तरह से सुनना। मैं इसमें हर एक बारीक बारीक चीज़ कवर करने वाला हूँ कि आपको कैसे कैसे आपकी पढ़ाई शुरू करनी है। तो गाइस, लेट्स बिगिन। सबसे पहले एक चीज़ मान के चलिए कि आपको नीट की जो पढ़ाई करनी है वो ज़ीरो से शुरू करनी है। जो स्पेशली जो रिपीटर लोग हैं, रिपीटर को ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे इस साल 500 मार्क आ गए या उससे ज़्यादा आ गए, 600 आ गए, तो बट सिलेक्शन नहीं हो रहा है, फिर तो मैं कैसा करूँ, मतलब मैंने डायरेक्ट टेस्ट सीरीज ही करनी चाहिए साल भर, या कैसा करना चाहिए। तो मैं उसको अभी से वार्न कर रहा हूँ कि उसने अभी से समझ लो, आपको कितने भी मार्क आए हो आपने ज़ीरो से ही आपकी पढ़ाई शुरू करनी है। ये चीज़ आप गांठ बांध लो अपने मन में, ठीक है। आपको ज़ीरो से अपनी पढ़ाई शुरू करनी है। उसके बाद जो आपकी 12 महीने की जो टाइमलाइन है वो क्या होनी चाहिए, ये अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो 12 महीने की टाइमलाइन मतलब अभी जून, मतलब अभी समझो जून चल रहा है, आपको जून से मई तक, अप्रैल तक पढ़ना है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 11 महीने मिल रहे हैं, ठीक है। 11 महीने आपको मिल रहे हैं, तो 11 महीने में आप ऐसा मान के चलो कि जो पहला जो स्लॉट है, पहले स्लॉट में आपको दिसंबर या नवंबर से लेके दिसंबर तक आपको एक रीडिंग हो जानी चाहिए। ये मैक्सिमम जनवरी 15 तक आपका पूरा सिलेबस एक बार कंप्लीट सिलेबस एक बार हो जाना चाहिए। ये आपका मतलब अभी से आप डिसाइड कर लो कि आपको नवंबर दिसंबर या मैक्सिमम जनवरी तक आपको पूरा सिलेबस करना है। लेकिन इसका मतलब ऐसा मत सोचना कि करना है मतलब जो बहुत स्पीड से कर रहे हैं हम, ऐसा बिल्कुल मत करना। इसको आराम से करो, और फास्ट करोगे तो कोई मतलब नहीं है। लोगों से पहले सिलेबस कम्प्लीट करके कोई तीर नहीं मारने वाला है। आराम से सिलेबस मतलब कम्प्लीट करो। उसके बाद ये आता है तो समझो जनवरी के एंडिंग तक आपकी पूरी रिवीजन भी हो जाती है, तो आपके वो मिलता है फरवरी और मार्च। ये फरवरी और मार्च जो रहेगा ये स्पेशली आपका रहेगा ग्रुप टेस्ट के लिए। इसमें फुल टेस्ट शुरू मत कर देना, इसको ग्रुप टेस्ट के लिए ही देना। ग्रुप टेस्ट मतलब उसमें कंप्लीट टेस्ट नहीं आ रही है, तो समझो बायो के 4 चैप्टर मिला के या एक यूनिट की एक टेस्ट हो गई, फिर ऐसे 2-3 यूनिट मिला के एक टेस्ट हो गई, इसी प्रकार केमिस्ट्री का हो गया, इसी प्रकार फिजिक्स का हो गया, कि आपको जैसे 3-4 चैप्टर मिला के, फिर 8 चैप्टर, फिर 10 चैप्टर मिला के, ऐसे फिर 11th की एक टेस्ट, फिर 12th की एक टेस्ट, फिर बाद में 11th 12th की एक टेस्ट। तो इसमें कंप्लीट टेस्ट नहीं आई। कंप्लीट टेस्ट मतलब तीनों सब्जेक्ट की पूरी, मतलब कंप्लीट टोटल 720 मार्क की टेस्ट, इसमें वो टेस्ट नहीं आई। तो ये फरवरी और मार्च जो है ये आपको ग्रुप टेस्ट के लिए देना है। और उसके बाद जो अप्रैल आता है, अप्रैल आपने कंप्लीट फुल टेस्ट के लिए भी दिए ना तो गलत नहीं होगा। अप्रैल आपको कंप्लीट फुल टेस्ट के लिए देना है। बस ये आपने एक बेसिक टाइमलाइन फॉलो करनी है। अब इसमें जो सबसे मेन चीज है कि ये आपका पहला स्लॉट जो है ये थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। इसमें किसी का लेट सिलेबस कंप्लीट होगा, किसी का जल्दी होगा, तो ये आप पे डिपेंड करता है। कभी कभी क्या होता है, कोचिंग वगैरह में थोड़ा ज़्यादा ही लेट कर देते वो लोग, वो थोड़ा फरवरी मार्च तक एक्सटेंड कर लेते हैं। तो ये जो चीज़ है ये ऑनलाइन वाले बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ऑनलाइन में अभी कोई पीडब्ल्यू से भी पढ़ रहा है, स्पेशली ऑनलाइन बोले तो अब लोग पीडब्ल्यू से ही पढ़ेंगे। तो कोई पीडब्ल्यू से पढ़ रहा है तो वो प्रीवियस लेक्चर जो अवेलेबल है, जो कि गलत नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि इसी साल का करना चाहिए, पिछले साल के भी लेक्चर्स अगर वो कर पा रहे सेल्फ डिसिप्लिन से, तो ये वो लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बाकी जो ऑफलाइन कोचिंग वाले हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम जाएगी, वो थोड़ा लेट होने वाले हैं, वो होने ही वाले हैं, ठीक है। नाउ अब आपके मान के अब दूसरी बात सुन लो कि बर्नआउट नहीं होना है आपको पढ़ाई में, ठीक है। बर्नआउट नहीं होना है। आपने ऐसा नहीं कि बस 15-20 दिन लगातार पढ़ते जा रहे हैं, नो स्लीप, कुछ सोना नहीं खा, मतलब कोई अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखना, ऐसा करके चलोगे ना भैया ये आप रुक जाओगे कुछ समय जाने के बाद।
तो एक अपना बेसिक रेस्ट लेते हुए चलो, रोज की स्लीप होनी चाहिए आपकी और हेल्थ का ध्यान रखते हुए चलना है, आपको इनफ स्लीप लेना है। और आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ पढ़ने के लिए, तो स्लो इज़ द फास्टेस्ट फॉर्म ऑफ स्टडी, ये चीज़ समझ लो आप। जितना आप स्लो पढ़ोगे मतलब एकदम अभी कूदो मत कि मेरे को बहुत फास्ट पढ़ना है। आप स्लो भी पढ़ रहे हो तो भी कोई गलत नहीं है, ठीक है। जितना आप स्लो पढ़ोगे ना उतना आप अच्छे से पढ़ते जाओगे, वो आपको कोई घाई नहीं रहेगी, आपको कोई ऐसा नहीं रहेगा कि अभी टाइम कम बचा है तो इसलिए मैं बहुत फास्ट पढ़ रहा हूँ, ऐसा कोई डर नहीं रहेगा। आप आराम से चिल करते हुए पढ़ रहे हो, बहुत अच्छे से आपकी पढ़ाई होगी। लेकिन यही आप घाई घाई में पढ़ोगे तो कोई अच्छे से पढ़ाई नहीं होती है, सारा मतलब छूट ही जाता है। नेक्स्ट आपका साल भर का एक रूल बना लो कि आपको रोज़ का काम रोज़ करना है। इसका क्या मतलब हुआ, रोज़ का काम रोज़ करना है, इसका मतलब आज जो तुमने लेक्चर किए हो उस लेक्चर को, कोचिंग में लेक्चर हुआ या आपने ऑनलाइन लेक्चर देखे, उस लेक्चर का उसी के उसी दिन आपको रिवाइज करना है, और उसी के उसी दिन हो सके तो या करना ही है, उसी दिन उसके DPPs लगाने हैं, MCQ या आप जहाँ से भी उसको सॉल्व करोगे उसको, तो उसका उसी दिन रिवाइज करना एक बार, और उसको एक बार फिर से उसको उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये मस्ट है। ये एक बार आपने कर लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ये आपका साल भर इसी तरह से आपका चलना चाहिए। नाउ हाउ टू स्टडी, ये सबसे मेन चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, इसको ध्यान दे के सुनना। सबसे पहला आता है डिसिप्लिन, ये भैया होना ही चाहिए, डिसिप्लिन नहीं है तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, इसमें कोई लेक्चर नहीं देता मैं, सीधी सी बात है। जो और सबसे इम्पोर्टेंट, ये जो ऑनलाइन जो पढ़ रहे ऑनलाइन मोड जिनका जो है उनके लिए ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऑफलाइन में कैसा है, कोचिंग वाले है कोचिंग की क्लास छूट रही है या फिर सब लोग जा रहे तो चले ही जाते हैं हम कैसे भी करके, बट ऑनलाइन मोड में कैसा है, सब खुद को ही करना है, तो डिसिप्लिन है तो वो बंदा करेगा, नहीं तो नहीं करने वाला है। नाउ क्लियर बेसिक्स, अब ये इसको बहुत ध्यान से सुनो मेरी बात, मैं क्या बता रहा हूँ, सिर्फ इसका वर्ड का मीनिंग नहीं बता रहा हूँ मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, वो ये है। कई बार क्या होता है ना कि हमको, बहुत लोग बोलते हैं कोई अपने को टॉपिक समझ में नहीं आता, मुझे फिजिक्स समझ में नहीं आता, मुझे न्यूक्लियर फिजिक्स समझ में नहीं आता, मुझे ऑर्गेनिक नहीं समझता, ये ऐसा वैसा ये कुछ होता है। उसका मेन रीज़न ये है कि समझो किसी को न्यूक्लियर फिजिक्स नहीं समझ रहा है तो उसको क्या नहीं समझा है, उसका बेसिक क्लियर नहीं है, बेसिक क्लियर नहीं मतलब उसको उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं पता, फिर उसको साइन फंक्शन नहीं पता या वेव्स कैसी निकलती है, फिर वो वेव फ्रिक्वेंसी वाला इक्वेशन नहीं पता, ये बेसिक चीज़ें उसको नहीं पता है भाई, इसलिए उसको मतलब नहीं समझ रहा है। तो आप जब तक आपने अपनी बेसिक क्लियर नहीं करोगे ना तब तक कुछ नहीं समझने वाला है। और ये जो नहीं समझता वाली जो बात है ये भूल ही जाओ, इसका मेन रीज़न एक ही है कि आपका बेसिक क्लियर नहीं है, अदरवाइज कोई भी ऐसी दुनिया की चीज़ नहीं है जो आपको समझ नहीं सकती है। तो सबसे पहले इसको क्लियर करते चलो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, सब आपका आसानी से हो जाएगा। अब ये तीसरे नंबर की चीज़ है, 3 times in 24 hours, इसको बहुत ध्यान से सुनो। ये क्या बता रहा हूँ मैं कि आपको पढ़ना कैसे है, सबसे पहले आपका समझो day 1 है, day 1 में आपने अपनी पढ़ाई शुरू की है, तो पढ़ाई शुरू किए मतलब आपने एक लेक्चर देखे, कोई भी लेक्चर देखने के बाद आपने उसका रिवीजन किए, आपकी उसकी पहली रिवीजन हुई, उसके बाद आपने क्वेश्चन सॉल्व किए, तो ये 3 times in 24 hours का मीनिंग मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपने लेक्चर देखे तो वो पहली पढ़ाई हुई, उसके बाद आपने शाम को या रात को सोने के पहले या कभी भी मतलब दिन भर का एक रिवीजन करते हैं हम, वो उसका रिवीजन किए, वो हो गई उसकी दूसरी पढ़ाई। नाउ नेक्स्ट डे जब आप उठोगे तो बाकी का आगे का पढ़ने से पहले आपको पिछले दिन का एक रिवाइज 15 मिनट में, ज़्यादा नहीं या 10-15 मिनट में आपको उसको रिवाइज करना है, ये हो जाती है आपकी तीसरी रिवीजन। ये 3 बार अगर आप कर लेते हैं ना तो 24 आवर्स में आपने एक ही चीज़ को 3 बार पढ़े हो, ऐसा उसका मीनिंग हो जाता है। एंड साइंटिफिकली हम उसको अगर 24 घंटे में 3 बार तो भी रिवाइज कर लेते हैं और हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 बार भी रिवाइज करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा समय तक अपने मन में अपने दिमाग में स्टोर रहेगा, वो परमानेंट मेमोरी में स्टोर रहने के उसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो ऐसा इस प्रकार पढ़ो आप, भले ही आपका स्लो हो, भले ही आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा सिलेबस कंप्लीट करने में, चलेगा,
बट ये चीज़ आपकी होनी ही चाहिए। ये आप मतलब ये जो हाउ टू स्टडी वाले जो रूल्स है ये आप अपने साल भर फॉलो करने हैं आपको, ये समझ लो। इतनी पता है कि आप पढ़ सब कुछ लेते हैं, लोग हर कोई पढ़ लेता है, बट कैसे पढ़ना है वो भी पता है लोगों, पता होता है लोगों को कि लेक्चर देखना ये वो, बट ये जो बेसिक बेसिक बारीक बारीक चीज़ें हैं ना ये आपको रैंक डिसाइड करेगी आपका। नाउ चौथी चीज़ जो है प्लान योर नेक्स्ट डे। इसका अर्थ ये हुआ कि आपको अगले दिन जो पढ़ना है उसको सोने के पहले आप एक अपनी बुक बनाओ या कोई ऐसी चिट्ठी पे लिख दो या किसी स्टिकी नोट पे लिख दो, उसको दीवार पे चिपका दो कि ये मेरा आज का पढ़ने का अगले दिन का पढ़ने का इतना टारगेट है। अगर आप इतना करते हैं ना तो अगले दिन आप बराबर वो टारगेट कंप्लीट करोगे ही, या थोड़ा सा भी बच गया तो चलता है बट वो होने ही वाला है। तो ये प्लान योर नेक्स्ट डे वाला इसको ज़रूर फॉलो करना। नाउ हैबिट ऑफ सिटिंग मोर, इसका अर्थ क्या हुआ? हैबिट ऑफ सिटिंग मोर का मतलब होता है कि आपको 3.5 घंटे का पेपर देना है, 3.5 घंटे का पेपर देने के पहले भी आपको पहले से वो कोचिंग से एग्ज़ाम सेंटर पे जाके बैठना है, वो आपकी धूप में खड़े रखेंगे आपको, फिर आपका वो टेस्टिंग वगैरह होगा, ये सब होगा। ये सब के कारण आप थोड़े से डिस्टर्ब हो जाओगे, कोई थक जाएगा, किसी को बैठ के नहीं होता है ज़्यादा देर तक। तो ये सब इसका एक ही उपाय है कि आपको ज़्यादा देर बैठने की आदत बनाए रखना है। तो ये कैसे बनाओगे आप आदत? तो इसका एक ही तरीका है कि आपको समझो आपकी अभी जितनी कैपेसिटी है बैठने की, समझो आप आधा घंटा बिना कॉन्सेंट्रेशन खोए या बिना कमर अकड़े बैठ सकते हो तो आप आधा घंटे से शुरू करो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो, फिर से शुरू करो, ये कंटिन्यू चलने दो, साल भर आपको ये चलने देना। और एक समय ऐसा आएगा कि आप 3-3.5 घंटे बिना रुके या मतलब बिना कमर दर्द हुए आप बैठ सकोगे या बिना कॉन्सेंट्रेशन लूज करे आप बैठ सकते हो। ये चीज़ आपने करना है, ठीक है? तो ये कुछ 4-5 रूल्स आप फॉलो कर लो, ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, आपको रैंक डिसाइड करने वाली है। क्योंकि हर किसी को पता है कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पहले लेक्चर देखना फिर DBP सॉल्व करना, ये हर चीज़ हर किसी को पता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट ना है क्लियर बेसिक वाला, ये चीज़ ध्यान रखो। ये क्लियर बेसिक सिर्फ बोलने के लिए नहीं होता। किसी को बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक्स समझ में नहीं आता, उसका रीज़न ये कि वो जहाँ से बना है वो बेसिक चीज़ आप समझो, बस सब समझ में आ जाएगा। किसी को सेल समझ नहीं आता तो तू 10वीं की बुक जाके पढ़, वहाँ पे जो बेसिक से सेल दिया है उसको पढ़, फिर जाके ये समझ में आएगा, समझे? तो ये चीज़ मतलब अच्छे से होनी चाहिए। नाउ हम आते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी पे, ठीक है? तो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी में मैं बायो से शुरू करता हूँ। गाइज बायो आप सबका फेवरेट है और बायो में आप आराम से 360 में से 360 ले सकते हैं या 355 तो ले ही सकते हैं, मैं आपको ज़्यादा वो नहीं दिखाता फालतू के सपने, 350 तो ले ही सकते हो, इतना मैं गारंटी से दे सकता हूँ, ठीक है? 360 में से 360 शायद बहुत कम ले पाए, बट 360 में से 350 लेना कोई असंभव बात नहीं है अभी के समय में। तो बायो को शुरू कैसे करना है, सबसे पहले आपका आता है लेक्चर, क्लास लेक्चर हो सकते हैं या आपके ऑनलाइन लेक्चर, किसी भी प्रकार के लेक्चर हो, लेक्चर देखना ज़रूरी है। अब जो रिपीटर लोग हैं मतलब उनको ऐसा लगता है कि नहीं मेरा ये पिछले साल पढ़ा हुआ है तो इस साल पढ़ के या इस साल लेक्चर देके क्या मतलब है, भाई मतलब है उसको फिर से पढ़ना, मतलब अगर टीचर फिर से पढ़ा रहा है तो उसका अलग ही महत्व होता है एज़ कम्पेयर टू तुम मतलब डायरेक्ट हाँ मैं खुद ही पढ़ लूँगा। तो यार एक साल का जो डिफरेंस होता है ना बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कि एक बंदा उस चीज़ को भूल जाए। अगर आप फिर से उसको पढ़ रहे हो, फिर से उसके लेक्चर देख रहे हो तो वो ज़्यादा देर आपको याद रहेगा, वो फिर से एक नई चीज़ बन के चलेगा, फिर से एक नई चीज़ बन के याद रहेगा। नेक्स्ट चीज़ आती है उसकी नोट्स बनाना। तो नोट्स आप खुद की भी नोट्स बना सकते हो या क्लास नोट्स। अब क्लास नोट्स और खुद की नोट में फ़र्क बताता हूँ मैं। तो अगर किसी को क्लास नोट मिल रही है तो उसको देखो ये है ना, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। किसी का क्या होता है कि किसी को दूसरों की नोट्स नहीं खुद की नोट्स जमती है, तो मैं इसमें टोटली पर्सनल ओपिनियन रहेगा हर किसी का, इसमें कोई ऐसा नहीं है। बट मेरा ऐसा था, मुझे जान पे आता था वो नोट्स बनाना और मुझे कोचिंग से नोट्स मिल जाते थे तो उसके हम मतलब उसी पे पढ़ लेते थे। और मेरे कोचिंग की नोट बहुत अच्छी थी, मतलब उसमें तो पूरा बहुत अच्छे से समझा दिया था सर ने, वो पढ़ लिए तो बहुत आसानी से हर चीज़ समझ जाती थी। तो हम पहले NCERT पढ़ते थे, फिर नोट्स, फिर NCERT, फिर नोट्स, ऐसा मेरा मतलब एक के बाद एक चलता था। तो इस तरह से मेरी पढ़ाई होती थी।
नाउ तो नोट्स में कैसा है कि अगर आप पढ़ रहे हो उसके बाद एनसीईआरटी पे जो अंडरलाइन करना है या एनसीईआरटी पे नोट्स बनाना है ना, अगर आप एनसीईआरटी पे कुछ मार्क कर रहे हो तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अभी थोड़ा स्टार्टिंग में पेंसिल वगैरह से मार्क करो, क्योंकि स्टार्टिंग में तुमको हर चीज़ इंपॉर्टेंट लगेगी, तुमको लगेगा ये भी इंपॉर्टेंट है ये भी इंपॉर्टेंट है, बट आगे जाके ऐसा नहीं होता, आगे जाके आपको लगता है कि नहीं अरे यार ये तो ठीक है, ये मतलब मेरे माइंड में हो गया स्टोर, अब ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए। इंपॉर्टेंट क्या लगता है ना कि जो चीज़ हमको हार्ड जाती है उसको हम थोड़ा ज़्यादा भाव देते हैं और वो अपने को इंपॉर्टेंट लगती है इसलिए हम उसको मार्क करते हैं, तो अभी पेंसिल से मार्क करो। दूसरी बात ये कि उस एनसीईआरटी को ना ज़्यादा ऐसा भर मत देना कि वो देखते ही वो ना मतलब पढ़ने की इच्छा ही मर जाए। मेरा एक दोस्त था, उसने क्या किया कि एनसीईआरटी को इतनी ज़्यादा उस पर लिख दिया था, क्या लिखा था पता नहीं, मैं तो पढ़ता ही नहीं था, बस देखा था मैंने एक दो बार, तो वो मतलब वहाँ तुम नेक्स्ट चीज़ ऐड ही नहीं कर सकते, लास्ट समय में एग्ज़ाम आ गई पास में तो उसमें कुछ ऐड नहीं कर सकते, ऐसा ये ना मैं दिमाग को कचरे भरे जैसा लगता है, इसलिए ये भी गलती नहीं करना है, इतना भी ज़्यादा उसको रंगाना नहीं पड़ता एनसीईआरटी को, एक बेसिक सिंपल साफ़ सुथरी रखो। उसके बाद आता है उसका रिवीजन, ये रिवीजन तो आपको करना ही है, इसके लिए कोई अल्टरनेटिव तो है नहीं, सीधी सी बात है। नाउ फोर्थ थिंग है कि आपको डीपीपी सॉल्व करनी है, रोज़ जो क्लास में डीपीपी मिलती है तो ठीक, अभी ऑनलाइन में डीपीपी मिल रहा है और कोचिंग में डीपीपी मिल रहा है तो उसको ज़रूर सॉल्व करना है, रोज़ का रोज़ अगर ये सॉल्व किए ना तो आगे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं जाती, आपको रोज़ का रोज़ सारे आपके कंसेप्ट रोज़ क्लियर होते जाते हैं, तो ये ना धीरे धीरे चलने वाली बात है, आपको एक मैराथन चलना है, आपको एक स्प्रिंट नहीं दौड़नी है, मैराथन जैसे करो आपका सब बराबर हो जाएगा एंड तक। नाउ ये डीपीपी, फिर बाद में स्टैंडर्ड बुक तो सॉल्व करना ही है, तो एमटीजी हो गया, सिंगेज और भी कुछ अच्छे अच्छे है तो वहाँ से कर सकते हैं। नाउ बायो में क्या होता, अभी क्या आया है कि एक असर्शन रीज़न ज़्यादा आ रहे ना क्वेश्चन पेपर में, तो इसकी एक अलग से बुक आती है एमटीजी की, इसकी अलग से एक एमटीजी की बुक आती है, वो आप पढ़ सकते हैं, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा मतलब किसी का दिमाग नहीं चलता है असर्शन रीज़न में, भले उसको सारी चीज़ पता होगी बट इस प्रकार कैसा सोचना है ये नहीं समझता, तो उसने इस प्रकार से इसकी एक स्पेशल पढ़ाई करनी चाहिए असर्शन रीज़न के लिए। उसके बाद साल भर कंटिन्यू रिवीजन तो करना ही करना है, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट आपका हो जाना चाहिए नवंबर दिसंबर तक या जनवरी मैक्स तक हो रहा है तो भी चलता है, कोई घाई नहीं है अपने को, 30 जनवरी तक भी करो बट अच्छे से करो, एक बार पहला सिलेबस अच्छे से रिवाइज करो। और बायो का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सिलेबस के बाहर का कुछ मत पढ़ना, भगवान के लिए सिलेबस के बाहर का कुछ मत पढ़ो, क्योंकि ये बहुत ही बेकार चीज़ होती है कोई कुछ कुछ कोचिंग में, वो बेकार का सिलेबस के बाहर का पढ़ाते हैं, वो कोई मतलब नहीं है उतना पढ़ने का, जितना सिलेबस का है उतना ही आता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन बाहर का आएगा, एक क्वेश्चन के लिए तुम इतना सारा पीएससी लेवल का पढ़ा रहे हो, क्या मतलब है। हाँ जितना सिलेबस दिया है उसमें से 350 तो आए अपने को, उतने ही चाहिए ना, कौन सा 360 लेना है, और 360 भी आते हैं सिलेबस का ही पढ़े तो नहीं ज़रूरत है कुछ बाहर का पढ़ने की, तो इसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब आता है केमिस्ट्री का, एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हाउ टू रिवाइज, ये रिवीजन कैसे करना है, इस पर ना मैंने एक वीडियो बनाया था मेरे चैनल में, या आप वहाँ जाके देख लेना, उसमें बहुत अच्छे से मैंने वो ट्रिक बताया कि किस प्रकार साइंटिफिकली रिवीजन करते हैं, तो उसको बताने में मैं यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, वो आप मेरे वीडियो पे चैनल पे जाके देख लेना। नाउ केमिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसमें डाइवर्सिटी है, आपको इनऑर्गेनिक भी है, ऑर्गेनिक भी और फिजिकल भी है, इसलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से सुनो। सबसे बेसिक वही है कि पहले लेक्चर जाके देखना है, फिर रिवीजन करनी है क्लास नोट से या सेल्फ नोट से, फिर डीपीपी क्वेश्चन प्रैक्टिस, कोई अलग नहीं है, जैसा बायो में हमने बताया। तो इसमें एक स्पेशल मेरी फेवरेट बुक थी मॉडर्न एबीसी केमिस्ट्री और एमटीजी नीट गाइड, वो फिंगर टिप्स नहीं है, ये नीट गाइड अलग आती है, नीट फिंगर टिप्स अलग आती है एमटीजी की, तो इसमें कन्फ्यूज मत होना। और जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करने हैं, मार्क करते चलोगे तो आगे जाके, क्योंकि बायो का तो ठीक है बट ये केमिस्ट्री फिजिक्स वगैरह का ना इसमें कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो वो अपने को आगे जाके वो क्वेश्चन मतलब अभी पढ़ रही है ठीक है, वो साल भर तो याद रहना है नहीं, तो वो बाद में हमको उसको रिवाइज करने के लिए मिलना चाहिए, इसलिए उसको मार्क करते चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, अपने हिसाब से कुछ एक स्टार लगाओ, दो स्टार लगाओ, जैसे भी लगाना है।
केमिस्ट्री का ऐसा है, इनऑर्गेनिक आपको बायोलॉजी के जैसा पढ़ना है। ऑर्गेनिक कैसे पढ़ना है इसको बहुत ध्यान से सुनो। हाँ, तो इनऑर्गेनिक में आपको बायो जैसा पढ़ना है, इसको एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। केमिस्ट्री और फिजिक्स ऐसा है, तुम जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, और ये ऑर्गेनिक और फिजिकल जो है इसमें तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करना है उतना अच्छा होता है। इनऑर्गेनिक में ज़्यादा प्रैक्टिस के चक्कर में बाहर का मत पढ़ने लग जाना, ज़्यादा एडवांस लेवल का केमिस्ट्री मत पढ़ने लग जाना, बीएससी नहीं करना है अपने को। ऑर्गेनिक का ऐसा है कि आपको सबसे पहले लेक्चर देखना है, लेक्चर के बाद एनसीईआरटी पढ़ना है एक बार। भाई जीवन में एक बार तो इसकी, अगर जिसको ऐसा लगता है कि नहीं ऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी नहीं पढ़नी चाहिए, मैं फिर भी बोलूँगा कम से कम एक दो बार तो भी इसकी एनसीईआरटी पढ़ो। बहुत प्यारा दिया हुआ रहता है इसके एनसीईआरटी में, बहुत अच्छे से समझता है आपको, कोई बाहर की नोट्स की ज़रूरत नहीं रहती, इसकी एनसीईआरटी इनफ है। फिर रिएक्शन प्रैक्टिस कैसे करनी है वो मैं बताता हूँ। तो क्या होता है कि जब जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं, अब पढ़ते पढ़ते हम पढ़े, हमने अब एक ना साइड में एक पेज रखना, साइड वाले पेज में सिर्फ नेम ऑफ रिएक्शन लिखना, नेम ऑफ रिएक्शन के नाम लिख देना बस। रिएक्शन के नाम लिखने के बाद क्या करना कि आपने जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिए, और वो रिएक्शन नहीं लिखना है, बस उसके नाम लिखना है वहाँ पर। तो वो नाम लिखने के बाद आपकी पूरी पढ़ाई हो रही है, पूरी पढ़ाई हो जाने के बाद आपको वो शीट फिर से लेनी है, और फिर से जब आपको रिवाइज करने का समय आता है तो तब वो शीट आपको बहुत काम आएगी। आपने वो उस शीट में जो 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 रिएक्शन के नाम लिखे वो आपको रिवाइज करने की कोशिश करना है कि ये मुझे आता है कि नहीं, और उसको लिख के ज़रूर देखना है। लिख के देख रहे हो तो आपको वो मतलब बहुत अच्छे से, ये एक्टिव रिकॉल होता है ना, एक्टिव रिकॉल से बहुत अच्छे से वो काम आता है। पैसिवली पढ़ोगे तो उतना वो मतलब उतना काम नहीं करता। तो ये मेरी रिएक्शन प्रैक्टिस की स्ट्रैटेजी है, ये बहुत बहुत काम आती है। एंड ऑर्गेनिक और फिजिकल को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए काम आएगा। इसको कोई और दूसरा तरीका है नहीं, इसको पढ़ने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। नाउ DPPs, इसकी भी DPPs करना है। ये रोज़ का रोज़ करोगे ना तो आपको धीरे धीरे आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे, और आपको खुद कितने पानी में हो, तुमको कितनी चीज़ें समझ रही है कितनी नहीं समझ रही है ये चीज़ समझ में आते जाएगी। इसको कोई फिर आपको कहीं बाहर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सारे आंसर खुद ब खुद मिलेंगे कि तुमको क्या समझ रहा है क्या नहीं समझ रहा है। फिजिकल केमिस्ट्री कैसे पढ़नी है वो फिजिक्स के जैसी पढ़नी है, मैं आगे अब बता रहा हूँ। नाउ फिजिक्स कैसे पढ़ना है इसको मैं अच्छे से बताता हूँ। तो फिज़िक्स में भी आपको सबसे पहले करना है लेक्चर, लेक्चर करने के बाद आपको फॉर्मूले पढ़ने हैं, नाउ लेक्चर करने के बाद आपको एक फॉर्मूला बुक बनानी है अपनी। गाइज फिज़िक्स के लिए ये चीज़ बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा आपके जीवन में काम आने वाली है। आपकी एक फार्मूला डायरी या फार्मूला बुक होनी ही चाहिए, और उसमें क्या रहता है तो उसमें आपको बस कुछ फार्मूले लिखने हैं, जो जो उस चैप्टर में जितने फार्मूले हैं वो पूरे फार्मूले वहाँ लिख देने हैं, और उसके उसी चैप्टर के लिए दो पेज आपको छोड़ देना, फिर बाद में दूसरा चैप्टर शुरू करना है। वो जो दो पेज छूटा है ना उसमें क्या करोगे कि आपको साल भर जितना पढ़ने वाले हो, पढ़ते पढ़ते क्या होता है आप कुछ अच्छी स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हो तो उसमें कुछ तो भी हिडन फार्मूले आपको मिल जाते हैं, कुछ ट्रिक्स मिल जाती है सॉल्व करने की। वो ट्रिक्स उस आपको उस दो एक्स्ट्रा पेजेस जो बचे हैं उसमें वो दो ट्रिक्स लिखनी है, और कभी कभी आपको कोई ऐसी कुछ लाइन होती है फिजिक्स में जो लाइन से ही पूरा समझता है तो वो लाइन आपके अपनी लैंग्वेज में लिखो, किसी को हिंदी मराठी या किसी भी लैंग्वेज में लिखना है वो लाइन वहाँ पे आप लिख सकते हैं। देखो फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी पढ़ना उतना ज़रूरी है नहीं, एक बार लेक्चर देख लिए आपको अच्छे से समझ गया तो वो काफ़ी होता है। हाँ एनसीईआरटी के जो पीछे के प्रॉब्लम होते हैं, हर चैप्टर के पीछे जो प्रॉब्लम दिए होते हैं वो प्रॉब्लम आप पढ़ सकते हैं, बट फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी पीछे से मतलब एनसीईआरटी पढ़ना उतना ज़रूरी नहीं है। फिजिक्स के लिए सबसे पहले आपने लेक्चर देखा, लेक्चर के बाद आपको उस चैप्टर में जितनी बुक फार्मूले थे आपने फार्मूला बनाए, उसके बाद आपको उसके DPPs लगाने हैं। DPP लगा दिए, और ये तो डेली प्रैक्टिस हो गई, और साथ में आप ये कहाँ से कर सकते तो MTG की फिंगर टिप्स है, अभी फिलहाल के लिए उसको हाथ मत लगाओ, ठीक है। MTG फिंगर टिप्स बहुत लोग पढ़ते हैं तो मैं तो ये बोलूँगा कि फिलहाल उसको मत लगाओ, अभी आप क्या कर सकते हैं एररलेस पढ़ सकते हो,
बहुत अच्छी बुक है, आपको बेसिक जो जिसको कुछ भी नहीं आता है ना, उसमें क्या होता है कि उसके लेवल ऐसा धीरे धीरे लेवल वैसा ऊपर बढ़ता है, बेसिक से आपका लेवल अच्छा होगा। फिंगर टिप्स को पूरी पढ़ाई होने के बाद आपके देखो उसमें क्या है, एक चैप्टर में 100 क्वेश्चन या 110 मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं, वो आपको लास्ट में रिविजन के लिए या खुद की प्रैक्टिस के लिए वो काम आएगी फिंगर टिप्स। फिलहाल उसको हाथ मत लगाना फिंगर टिप्स को, मेरी बात मानो। नीट गाइड, अगर MTG की नीट गाइड एक आती है नीट, तो अगर एररलेस नहीं करना है तो नीट गाइड से कर सकते हैं। ये दो ऑप्शन मैं आपको अभी के लिए दे रहा हूँ, और MTG थर्ड ऑप्शन है लास्ट में करने का। इस प्रकार आप फिजिक्स पढ़ो, तो फिजिक्स को पढ़ना कैसे, जब आप फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं ना, तो आपको उस मतलब जैसे मैग्नेटिज्म है या लॉज ऑफ मोशन है, कुछ भी है, उसको ना विजुअलाइज करके देखो। विजुअलाइज करके देखोगे, जैसे आप कुछ वायर है, वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो रही, तो ये चीज़ आप पढ़ रहे हो तो आपको ये चीज़ दिखनी चाहिए। जब तक आप इसको विजुअलाइज नहीं करते, वो क्लिक नहीं होगी आपके दिमाग में, अच्छे से सेव नहीं होगी। आप फॉर्मूला याद, या फॉर्मूला याद करना ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बट एक होता है कि जब तक समझती नहीं आपको, फॉर्मूला भी कौन सा लगाएंगे वो भी नहीं समझने वाला है, भले आपको पूरे फॉर्मूले याद है। इसीलिए वो याद रखो ना, फॉर्मूला बुक जो है ये आपको साल भर ऐसे काम आएगी कि जब भी आपको कोई टेस्ट देना होगा, जब भी कोई पेपर रहेगा, या जब भी फिजिक्स का रिविजन करना है, इसी से रिवाइज करना। आपको हर चीज़ इसमें, ऐसी फार्मूला बुक बनाओ, हर चीज़ आपकी इसमें आ जानी चाहिए, मतलब पूरा चैप्टर उस फार्मूला बुक में आ जाना चाहिए, उसकी छोटी सी छोटी ट्रिक, उसकी हर एक चीज़। बस उसको ऐसा मत बनाना कि फिर से उसको एक नई टेक्स्ट बुक बना लो साले को फार्मूला बुक के नाम पे, ऐसा नहीं करना है। एक फार्मूला नाम की फार्मूला बुक होनी चाहिए, बट यह खुद की आपकी लिखी हुई होनी चाहिए, रेडीमेड लेके मत लाना। तो इस प्रकार आप फिजिक्स पढ़ते हो, आपका रोज प्रैक्टिस सॉल्व करते हो, तो ये ज़रूर काम आएगा। नाउ हाउ, अब मैं आपको और एक चीज़ यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ कि एक मिस्टेक बुक होती है, गाइज मिस्टेक बुक जो है ना, तो मिस्टेक बुक का आपको हर सब्जेक्ट के लिए एक मिस्टेक बुक बनाना, ये साल भर का मैं जो बता रहा हूँ ना टाइम टेबल या स्ट्रेटेजी, तो इसके लिए एक मिस्टेक बुक बनानी है। आप जो जो DPP सॉल्व करोगे या DPP के लिए, तो ठीक है वो उसको मिस्टेक बुक में ऐड मत करना, बट जो आपकी क्लास टेस्ट होगी या रेगुलर टेस्ट होगी या जो इंटरवल पे जो टेस्ट होती है, वो टेस्ट को आपको इसमें, उसमें जो गलत होता है वो आपको मिस्टेक बुक में लिखना है। भले ही आपको लगे कि ये तो सिली मिस्टेक थी, मेरे से हो गई तो कैसे हो गई, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहता भाई। तुमको नहीं आया इसलिए वो गलत हुआ, कोई उसके लिए एक्सक्यूज़ मत दो, कोई बहाना मत दो, तुमको नहीं आया तो गलत हुआ, बस बात ख़त्म। उसको आपको मिस्टेक बुक में लिखना है, और इस मिस्टेक बुक को मतलब ना टाइम टू टाइम रिवाइज करना चाहिए, टाइम टू टाइम रिवीजन करो, आपका बहुत सारी चीज़ें आपकी सुधर जाएगी। क्या होता है, जो क्वेश्चन सही होता है ना, वो अपना साल भर सही होता रहता है, क्योंकि एक बार अपने दिमाग में फिट हो गया, कम से कम एक साल तो आप उसको नहीं भूलने वाले हो, या एक साल आप नहीं भूलने वाले क्योंकि कैसे उसको सॉल्व करना है। बट जो नहीं आ रहा है आपको, जो गलत हो रहा है, जब तक आप उस पर काम नहीं करते हो, वो तब तक नहीं सुधरता है। और साल भर जब आप पढ़ रहे हो ना, तो आपको हर तरह के क्वेश्चन आपके दिमाग के आगे से जाएंगे जो पेपर में आ सकते हैं, क्योंकि जो साल भर पढ़ोगे वही पेपर में आने वाला है, कोई अलग नहीं आने वाला है, कोई अलग से कुछ नहीं आने वाला है, इसी में से आएगा या इसके जैसा ही कुछ आएगा, और कुछ नहीं। तो अगर आप उसी को परफेक्ट करते हो, तो यार आपको रैंक लेने से कौन रोक सकता है, अच्छे मार्क, 700 मार्क, 650 के ऊपर मार्क लेने से कौन रोक सकता है। नेक्स्ट चीज़ यह है कि बैकलॉग कैसे क्लियर करना है। तो गाइज बैकलॉग का ऐसा है कि ये होता है, हर किसी के साथ होता है। अभी आप स्टार्टिंग में पढ़ाई जब शुरू करोगे, तो आपको इतना उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप बोलोगे कि नहीं ठीक है, एक दो मतलब अभी तो आपका सब बराबर चलेगा, लेकिन जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा, तो ये बैकलॉग होना ही होना है। बैकलॉग को ना आप अपने हिसाब से करो, देखो इसको एकदम एंड तक मत छोड़ देना, जैसे जैसे बीच बीच में आपको जो जो समय मिल रहा है, या कुछ बहुत आप बोर हो गए हो पढ़ के, तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं पुराना पढ़ लेना चाहिए थोड़ा सा है, समझो आज बायो में आपने कुछ छोटा टॉपिक पढ़े हो, कुछ ऐसा छोटा सा सब्जेक्ट है जो बिल्कुल छोटा टॉपिक है जो बस याद करने वाला है,
अगर ऐसा कुछ है जैसे, या फिर हाँ केमिस्ट्री में भी ऐसा कुछ है जैसे हाइड्रोजन, आज का केमिस्ट्री का टॉपिक है वो उतना बड़ा नहीं है, फिजिक्स का भी ऐसा कुछ अगर छोटा टॉपिक है आपने पढ़ रहे, या फिर समझो आज क्लास को छुट्टी है, तो आप उस दिन अपने बैकलॉग क्लियर कर सकते हो। इस प्रकार आप बैकलॉग क्लियर करते रहो, इसको ज़्यादा भाव नहीं देना और इसको ज़्यादा बड़ा भी नहीं होने देना। जितना अगर ये ज़्यादा बड़ा होता है वो आपको लास्ट में और ज़्यादा टेंशन बढ़ जाता है लास्ट समय में। नाउ रिवीजन कैसे करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिवीजन नहीं करते हो तो इट्स एज गुड एज आपने उसको कभी पढ़ाई नहीं है। रिवीजन नहीं करना है तो मैं बोलूँगा पढ़ो ही मत, क्योंकि रिवीजन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रिवीजन का ऐसा है, वीकली आपको रिवीजन करना ही है। आपने हफ्ते में जितना पढ़े हो उसको वीकली रिवाइज करो ही करो, बिकॉज कि जैसे 7 दिन है ना, तो उसमें समझो जैसे आपकी किसी किसी कोचिंग में क्या होता है कि हर संडे या हर एक दिन टेस्ट होती है, और ये चीज़ ना बहुत अच्छी है। आपको हर हफ्ते के 7 दिन नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ 6 ही दिन पढ़ना है, एक दिन ये रिवीजन का रहेगा आपका। अगर संडे को टेस्ट है तो आप सैटरडे को ऐसा रखो कि आपको पूरा हफ्ते में जितना पढ़े हो, 5 या 6 दिन जितना भी है, 5 दिन जितना भी पढ़े हो, उस 5 दिन का रिवाइज करो एक दिन, और संडे को टेस्ट दो। अब टेस्ट दिए तो मतलब उस दिन भर टेस्ट नहीं चलने वाली है, टेस्ट देने के बाद अपना आप आगे का पढ़ो, ठीक है। तो इस प्रकार आप रिवीजन करते हो तो ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको अभी से घाई नहीं करनी है, आपको साल भर है ना, तो बहुत इनफ मोर देन इनफ टाइम है आपको पढ़ने के लिए। जब एंड समय रहता तो मैं बोलता कि नहीं यार ये तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा वगैरह कुछ, बट टाइम जाता भी है तो भी रिवीजन करना ही करना है। तो ये हो गया, और रिवीजन का टाइमलाइन कैसे होना चाहिए इस प्रकार से। और आपको लगता है कि और रिवीजन करना है तो आप मंथली अपना एक रिवीजन का सेट करो कि आपने महीने भर जितना पढ़ा है उसकी रिवीजन आप उस दिन एक दिन कर लो। और रिवीजन में ऐसा कुछ खास नहीं है, बस ऊपर पढ़ना होता है उसको, ज़्यादा पहली बार तो नहीं पढ़ रहे हो तो वो जल्दी हो जाता है। रिवीजन पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाया कि साइंटिफिकली रिवाइज कैसे करते हैं, तो उसको आप मेरे चैनल पे जाके ज़रूर देख लेना, हाउ टू रिवाइज इफेक्टिवली ऐसा कुछ लिखा है उसमें, आप मैंने बहुत अच्छे से बताया, तो उस पर ज़्यादा मैं इस पर फोकस नहीं करूँगा। मॉक टेस्ट, गाइस मॉक टेस्ट इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं इस पर जितना ज़्यादा कहूँ उतना ज़्यादा कम है, क्योंकि मॉक टेस्ट है जो आप पढ़ रहे हो तो आपको आपका कितना पढ़ के हुआ, कितना पढ़े, कितना समझा क्या नहीं, वो आपके दिमाग में तो घुसना चाहिए। ये तो बेसिक सी बात है, आपको सब पता है कि मॉक टेस्ट हम क्यों देते हैं। तो मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा है, इसको कभी स्किप नहीं करना मॉक टेस्ट को, कोई भी हो, छोटा सा छोटा आपकी हाँ पढ़ाई हुई हो या ना हुई हो, आपने पढ़े नहीं पढ़े फिर भी आपको मॉक टेस्ट देना ही है, ये बात आप समझ लो अभी से। नाउ इसमें ये तो मैंने बताया, इसमें क्या ही बताओ बार बार कि देना है। भाई जो मॉक टेस्ट होती ना, उसको मॉक टेस्ट देते कैसे हैं और उसको एनालाइज कैसे करते हैं, वो चीज़ पे भी मैंने एक अच्छे से वीडियो बनाया हूँ, आप उसको जाके देखो, उसको मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, थोड़ा लंबा है। और उसी प्रकार से आपने मॉक टेस्ट देना है, उसी प्रकार से मॉक टेस्ट एनालाइज करना है। तो ये चीज़ हो गई मॉक टेस्ट की। इस प्रकार से अगर आप साल भर करते हो तो ये आपकी साल भर की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। प्रिकॉशन क्या लेना है आपको, फ्रेंड्स में टाइम पास नहीं करना है। अगर हेल्दी फ्रेंडशिप है आपकी, दोनों के साथ में पढ़ाई हो रही है वहाँ तक ठीक है। रिलेशनशिप भाई मत ही जाओ, फालतू कुछ हो जाता है बीच में तो आपके ऐसे ही 2-3 महीने बर्बाद हो जाते हैं, या किसी का साल बर्बाद हो जाता है, किसी की लाइफ बर्बाद हो जाती है, इसलिए रिलेशनशिप में मत जाओ। सोशल मीडिया को कंप्लीटली अनइंस्टॉल कर दो, कोई ज़रूरत नहीं होती सोशल मीडिया की। अगर आपका कोचिंग का है तो व्हाट्सएप से काम हो जाता है, उससे ज़्यादा इंस्टाग्राम फेसबुक मतलब कोई इंपॉर्टेंट नहीं रहता, ठीक है ना, स्नैपचैट वगैरह। सबसे इम्पोर्टेंट है नो निगेटिव टॉक्स। आपके जो दोस्त होते हैं या आप खुद भी ना, कभी कभी ऐसा बोलते हो कि यार मेरा पढ़ के नहीं हुआ यार, ये नहीं हो रहा है, अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो तो मतलब मत सोचो, और ये निगेटिव टॉक वगैरह सब नहीं करना चाहिए। ये कुछ प्रिकॉशन लो, ये काफ़ी है, आपको साल भर ये चीज़ तो ध्यान रखना ही रखना है, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, मुझे जितना बताना था मैंने हर चीज़ बताना इसमें ज़रूरी समझा, और इसको थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, फिर भी आपको थैंक यू, आपने इसको अभी तक देखा और इसको पूरा इंप्लीमेंट करो। इसके बाद भी आपको अगर कुछ लगता है कि ये नहीं समझ रहा है भैया, या कुछ और पूछना है, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं
उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आई होप कि आपको इससे थोड़ी सी वैल्यू मिलेगी। आप इसको फॉलो करोगे आपका ज़रूर अच्छा रैंक आएगा। अगर आपको कुछ भी लगता है तो आप मुझे ज़रूर मैसेज करो, मेरे ईमेल पे कर सकते हो या इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपका ज़रूर मदद करने की कोशिश करूँगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।